प्रदेश में 7 मई को चुनाव है और सियासी पारा खूब गर्म है। मंडी में प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ठाकुर कौल सिंह ने 7 मई को होने वाले लोकसभा और सुजानपुर उपचुनाव को लेकर कांग्रेस की जीत का दावा किया। केंद्र की यूपीए सरकार का बखान करते हुए कौल सिंह ने कहा कि 10 साल की कांग्रेस सरकार ने प्रदेश को अनेक तोहफे दिए हैं। उन्होंने जिले में खुले ESIC मेडिकल कॉलेज, IIT मंडी, फैशन टेक्नोलॉजी संस्थान समेत मनरेगा जैसे कार्यक्रमों का जहां एक ओर बखान किया तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने भाजपा पर हमला किया। कौल सिंह ने आरोप लगाया कि भाजपा केवल लोगों को गुमराह करने का काम करती है। भारतीय जनता पार्टी के लोग भ्रामक प्रचार कर रहे हैं, जो हमारे द्वारा किए गए काम है, केंद्र सरकार दिए गए काम है, उन कामों का अपने नाम पे लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। हिमाचल की जनता मतदाता बुद्धिजीवी है, उसमें आने वाले नहीं है। 16 अप्रैल को शेरी मंच पे एक बहुत बड़ी रैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 17 पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी से लोग भाग लेंगे और ज़्यादातर लोग मंडी जिला के होंगे, और मैं निवेदन करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें भाग लें। और उसके अलावा 17 तारीख को रानी प्रतिभा सिंह जी अपना नॉमिनेशन नामांकन भरेगी, उसमें तो फिर सब लिमिटेड लोग ही अंदर जो है, जो हमारे रिटर्निंग अफसर है उनके पास जाते हैं। तो 16 तारीख को कांग्रेस पार्टी की एक विशाल रैली होगी, जिसमें मुख्यमंत्री जो हमारे कांग्रेस के आजकल प्रभारी बने हैं श्री राजीव शुक्ला, कांग्रेस के अध्यक्ष हमारे सुखविंदर सिंह सुक्खू और दूसरे नेतागण भी उसमें भाग लेंगे। खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ, कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।